क्वेश्चन नंबर 11 में अ टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ अ कैनल। फिगर बाजू में ही है, ए बी क्या है, टीवी टावर एक कैनल के बैंक पर वो खड़ा है। नाउ फ्रॉम द पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली ऑपोजिट द टावर, टावर के ऑपोजिट जो बैंक है, मतलब कैनल के दो बैंक होंगे ना, ठीक है, एक बैंक पर टावर खड़ा है। सामने के बैंक से अगर टावर का टॉप हम देखें तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या मिलता है, 60 डिग्री। नाउ फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट, ये पॉइंट से यहाँ पर दूसरा पॉइंट है 20 मीटर अवे, ये डिस्टेंस कितना है 20 मीटर। लाइन जॉइनिंग लाइन जॉइनिंग दिस पॉइंट टू द फुट ऑफ द टावर, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। ये पॉइंट सी, ये पॉइंट डी। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर इन द ब्रिथ ऑफ द कैनल, ये हाइट ऑफ टावर हमें फाइंड करनी है और ये ब्रिथ ऑफ कैनल बी सी, ठीक है। नाउ अगर हम ये ट्रायंगल एबीसी कंसीडर करें तो उसमें हमारे पास सिर्फ एंगल है, ये दोनों में से एक भी वैल्यू नहीं है। मानो कि मैं विड्थ ऑफ द कैनल ले रही हूं एक्स मीटर, ठीक है, लेट द विड्थ ऑफ द कैनल बी एक्स मीटर, तो ये ट्रायंगल एबीसी में एंगल एसीबी 60 डिग्री, तो 10 60 कितना होगा, ऑपोजिट एबी अपॉन एडजेसेंट सीबी, ठीक है ना। 10 60 इज रूट 3 इज इक्वल टू एबी वी हैव टू फाइंड एंड सीबी वी हैव टेकन एक्स, ठीक है। देयरफॉर एबी इज इक्वल टू रूट 3x मीटर, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब ये पूरा ट्रायंगल एबीडी कंसीडर करते हैं, तो उसमें एंगल एडीसी इज इक्वल टू 30 डिग्री। इन ट्रायंगल एबीडी एंगल एडीबी इज इक्वल टू 30 डिग्री, देयरफॉर 10 30 ऑपोजिट एबी अपॉन एडजेसेंट बीडी, 10 30 इज 1/√3 इज इक्वल टू एबी अपॉन बीडी, कितना मिलेगा 20 + x, यस और नो, 20 + x, देयरफॉर एबी हमें कितना मिलेगा 20 + x/√3, इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 एंड 2 में दोनों का एलएचएस एबी एबी है, तो दोनों का आरएचएस इक्वल होगा, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 √3x इज इक्वल टू 20 + x/√3, ये √3 इस तरफ जाएगा तो √3 × √3 3x, ये x इस साइड आएगा तो माइनस इज इक्वल टू 20, देयरफॉर 2x इज इक्वल टू 20, देयरफॉर x इज इक्वल टू 10 मीटर, ठीक है। x क्या था, विड्थ ऑफ द कैनल, विड्थ ऑफ द कैनल इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 10 मीटर। दूसरा हमें क्या फाइंड करना था, हाइट ऑफ टीवी टावर एबी, इट इज √3x, ठीक है, हाइट ऑफ इज इक्वल टू √3x, x की वैल्यू 10 पुट करो तो 10 √3 मीटर, क्लियर, प्लीज।
एंगल बी ए डी इज इक्वल टू 45 डिग्री। हमारे पास ये एडजेसेंट साइड है, ओपोजिट हमें चाहिए, तो 10 45 यूज कर तो होगा, ठीक है। 10 45 इज इक्वल टू ओपोजिट बी डी अपॉन एडजेसेंट ए बी। 10 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1। बी डी हमें फाइंड करना है, ए बी इज गिवन 7, तो बी डी भी कितना मिलेगा? बी डी इज इक्वल टू 7 मीटर, विच इज द डिस्टेंस बिटवीन बिल्डिंग एंड टावर, बट वो हमें फाइंड नहीं करना है। अगर ये बी डी 7 मीटर है तो ए बी 7 मीटर होगा, यस और नो? क्या हो जाएगा ये? ए, ठीक है। अब हम ये ट्राइंगल ले, ट्राइंगल ए सी ई या तो ए ई सी, इन ट्राइंगल ए ई सी कौन सा एंगल है? सी ए ई इज इक्वल टू 60 डिग्री। हमारे पास ये है 7 मीटर, इतना 7 मीटर है, अब हमें चाहिए सिर्फ सी। सीई और ईडी का टोटल कर देंगे तो पूरा सीडी मिल जाएगा। ईडी ऑलरेडी हमारे पास है, हमें क्या चाहिए? सीडी, मतलब हमारे पास एडजेसेंट है, हमें ओपोजिट चाहिए। तो 1060 इज इक्वल टू ओपोजिट सीई अपॉन एडजेसेंट ए। 1060 की वैल्यू कितनी होती है? इज इक्वल टू सीई वी हैव टू फाइंड ए 7, तो देयरफॉर सी हमें क्या मिलेगा? 7√3 मीटर, ठीक है। नाउ हाइट ऑफ टावर क्या है? सीडी कितना होगा? सीई प्लस ईडी, सीई 7√3 प्लस ईडी इज 7। 7 को कॉमन ले लो तो √3 + 1, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, सेकेंड चल पे थर्ड इंग्लिश चलो। इज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल, द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। सी लेवल थी 75 मीटर हाइट पर शू लाइट हाउस, बराबर, एना टॉप पर थी सी मा बे शिप्स, बराबर। हम ए शिप्स ना एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना 30 डिग्री एंड 45 डिग्री, तो आ एंगल 30 डिग्री एंड दिस इज एंगल 45 डिग्री। हमेशा याद रखना कि जो एंगल छोटा है वो दूर होगा और जो ज्यादा है वो नजदीक होगा, ठीक है। अगर आपने इसे 30 और इसे 45 लिया तो आंसर गलत आ जाएगा, ठीक है। एंगल ऑफ डिप्रेशन हो या एंगल ऑफ एलिवेशन हो, सॉरी डिप्रेशन हो, सॉरी सॉरी
एंगल ऑफ डिप्रेशन हो या एंगल ऑफ एलिवेशन हो, ठीक है। एंगल ऑफ डिप्रेशन है मतलब ये ओरिजोनटल हाइट से बनाना पड़ेगा ना हमें, ठीक है। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन ये कितना होगा 30 डिग्री इसका, और ये इसका कितना होगा 45 डिग्री, ठीक है। तो इसे आप 90 में से माइनस करके भी कर सकते हो। दूसरा एक है कि हॉरिजॉन्टल और ये ग्राउंड लेवल दोनों एक दूसरे से पैरेलल माना जाता है, ठीक है। तो ये दो लाइन पैरेलल है, ये उसका ट्रांसवर्सल हो गया, तो ये दोनों कैसे हो गए इक्वल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। तो अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी कितना होगा 30, और ये पूरा 45 है तो ये भी कितना होगा 45। जो हमने पहले लिखा था वो सही था, बट वो एंगल ऑफ एलिवेशन नहीं थे, इसलिए पहले एंगल ऑफ डिप्रेशन को दिखाना पड़ेगा, फिर हम ऑल्टरनेट कर इसे 30 और 45 लिख सकते हैं, ठीक है। अगर आपको इन दोनों एंगल को कंसिडर नहीं करना है तो आप ये भी लिख सकते हो, क्लियर, ठीक है। नाउ If one ship is exactly behind the other on the same side of the lighthouse, ठीक है, एक ship दूसरा एक दूसरे के एकदम नजदीक नमीर है, then find the distance between the two ships. मतलब हमें ये distance find करना है. Lighthouse is AB, two ships are C and D, ठीक है. C is ship one, D is ship two, ठीक है. तो पहले तो हमें ये 75 मीटर दिया है तो BC मिल जाएगा, टेन 45 ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, ठीक है। और ये हम मानो भी ले लेते हैं x मीटर। ऐसा ही क्वेश्चन हमने शायद क्वेश्चन नंबर 8 किया था, शायद आई डोंट रिमेम्बर द क्वेश्चन नंबर एग्जैक्टली। यस, अ स्टैच्यू इज 1.6 मीटर टॉल, उस पर यहाँ पर था, इसमें यहाँ पर है। अभी किया ना हमने क्वेश्चन नंबर 11 टीवी टावर वाला, सेम मेथड करोगे तो मिल जाएगा, ठीक है। हाँ कर लोगे ना, क्वेश्चन नंबर 11 किया था वैसे ही। आपको क्या लिखना है, शिप वन इज सी, शिप वन इज डी, डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स इज एक्स मीटर। आपको बीसी तो डायरेक्टली यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। फिर 30 डिग्री करोगे तो क्या मिलेगा, बीडी से जो भी आएगा प्लस एक्स, एक्स की वैल्यू फाइंड कर लो, ठीक है। फिगर ड्रॉ कर लो, गुड। एंड बेटा फिगर ऑलवेज पेंसिल से ड्रॉ करो, एग्जाम में भी कोई भी सब्जेक्ट में, साइंस में हो या मैथ्स में, शायद फिगर उन दोनों में ही आती है और कहीं पे नहीं आएगा, ठीक है। फिगर ऑलवेज पेंसिल से ड्रॉ करो, गुड। स्केल पेंसिल साथ में ही रखो, गुजराती के पेपर में स्केल पेंसिल कहीं पे यूज नहीं होता, फिर भी एग्जाम में साथ में ही रखना है, पूरा पेंसिल बॉक्स तैयार होकर एग्जाम में होना चाहिए साथ में। और मैथ्स में कंस्ट्रक्शन में यूटी में किया था वैसा मत करना, हाँ राउंडर अच्छे से देख कर घर से लेके जाना, ना हो तो दूसरा खरीद लेना, 30-40 रुपए से ज्यादा महंगा नहीं आएगा, 30 लोगों ने डबल बोला दो आ जाए, ठीक है। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। अ 1.2 मीटर टॉल गर्ल, यहाँ पर ध्यान से अब देखना, हाँ 1.2 मीटर टॉल गर्ल स्पोर्ट्स अ बलून। पहले तो ये ग्राउंड लेवल है, यहाँ पर एक गर्ल खड़ी है जिसकी हाइट कितनी है 1.2 मीटर। टॉल गर्ल स्पोर्ट्स अ बलून मूविंग विद द विंड इन अ हॉरिजॉन्टल लाइन एट अ हाइट ऑफ 82 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। ये ग्राउंड लेवल से 88.2 मीटर हाइट पर यहाँ पर मानो कि एक बलून है, ठीक है। वो बलून मूव कर रहा है, ठीक है। नाउ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बलून फ्रॉम द आई ऑफ द गर्ल एट एनी डिस्टेंस इज 60 डिग्री। जब बलून यहाँ पर था तब गर्ल की हाइट से एंगल ऑफ एलिवेशन कितना था 60 डिग्री। नाउ आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूस टू 30 डिग्री।
तो जो दूर का है उसका एंगल ऑफ एलिवेशन सॉरी यहां से नहीं होगा, नहीं यहां से होगा। जब बलून यहां पर था तब एंगल ऑफ एलिवेशन कितना था 60 डिग्री। बलून मुंह होकर थोड़ा विंड की वजह से दूर जाएगा तब एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूस होकर कितना हो रहा है 30 डिग्री। तो फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बलून ड्यूरिंग द इंटरवल, ये डिस्टेंस हमें फाइंड करना है। क्लियर? यस। नाउ देखो हमने हर एक क्वेश्चन में किसी भी चीज का एंगल ऑफ एलिवेशन लिया है वो ग्राउंड लेवल से डायरेक्टली ले लिया, देखने वाले इंसान की हाइट को हमने कंसीडर नहीं किया है क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा कुछ बोला नहीं था। अगर नहीं बोला है तो आपको ग्राउंड लेवल से ही वो एंगल ऑफ एलिवेशन बनाना है। बट यहाँ पर हमें दिया है कि गर्ल की हाइट कितनी है 1.2 मीटर, ठीक है, तो उसकी आईज से हमें क्या करना पड़ेगा एंगल ऑफ एलिवेशन दिखाना पड़ेगा, ठीक है। दैट मीन्स की ये 1.2 मीटर क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, पहले बलून था ए बी पोजीशन पर, फिर बलून चला गया सी डी पोजीशन पर, ठीक है। गर्ल की हाइट मानो की है ओपी, गर्ल की हाइट कितनी है ओपी, इसके साथ हम यहाँ पर कह रहे हैं आर, क्या ले रहे हैं आर, ठीक है। अब हम ये ए बी ग्राउंड लेवल से बलून की हाइट कितनी थी पूरी 88.2, ये पूरा था 88.2 मीटर, ठीक है। अब हम इतना कंसीडर करें यहाँ पर पी, यहाँ पर क्यू ले ले पॉइंट, तो ए क्यू कितना होगा 88.2 माइनस 1.2 तो 87 हो जाएगा, हो जाएगा ना, ठीक है। तो ये ट्राइंगल ए ओ क्यू उसमें एंगल ओ कितना है 60 डिग्री, हमारे पास क्या है ए क्यू है, हमें क्या मिल जाएगा ओ क्यू मिल जाएगा। हमें फाइंड करना है डिस्टेंस बिटवीन द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बलून ड्यूरिंग द इंटरवल, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बलून दैट इज बी डी और वी कैन से क्यू आर, ठीक है, ये हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पर इन ट्राइंगल ए क्यू ओ एंगल ए ओ क्यू इज इक्वल टू 60 डिग्री, ओपोजिट एडजेसेंट हमें ओ क्यू चाहिए 1060, ओपोजिट ए क्यू अपॉन एडजेसेंट ओ क्यू 1060 इज √3, ए क्यू इज 87, ओ क्यू वी हैव टू फाइंड, ओ क्यू इज इक्वल टू 87/√3 मीटर, ठीक है। अब हम ये ट्राइंगल कंसिडर करेंगे सी आर ओ, तो उसमें ये एंगल कितना है 30 डिग्री। इन ट्राइंगल सी आर ओ एंगल सी ओ आर इज इक्वल टू 30 डिग्री, 1030 इज इक्वल टू ओपोजिट कितना होगा सी आर अपॉन एडजेसेंट क्या होगा ओ आर, 1030 इज 1/√3, सी आर एंड ए क्यू दोनों सेम है 87 डिवाइड बाय ओ आर, देयरफॉर ओ आर इज इक्वल टू 87, ये √3 इस साइड जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा, ओ आर इज इक्वल टू √3 मीटर। अब डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बलून कितना था क्यू आर था, ठीक है, तो कैसे मिलेगा ओ आर में से ओ क्यू माइनस कर दो तो क्यू आर मिल जाएगा, ठीक है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बलून इज इक्वल टू क्यू आर इज इक्वल टू ओ आर माइनस ओ क्यू। अब ओ आर हमें कितना मिला है यहाँ पर 87/√3 माइनस ओ क्यू कितना है 87/√3,
इज इक्वल टू रूट थ्री, क्या निकलेगा एलसीएम, तो 87 मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाएगा, 37 जा 21, 83 जा 24 प्लस 2 26 माइनस 87 अपॉन रूट थ्री एलसीएम, ठीक है 261 में से 87 जाएगा, 11 माइनस 7 4, 5 आ जाएगा 15 माइनस 8 7 और 1 174 अपॉन रूट थ्री, डेनोमिनेटर में रूट थ्री नहीं चलता तो रूट थ्री अपॉन रूट थ्री से मल्टीप्लाई करो, तो 174 रूट थ्री डिवाइड बाय 3, 174 रूट थ्री डिवाइड बाय 3, अब 174 है वो 3 से डिवाइड होगा, 3 5 जा 15, 3 8 जा 24, तो 58 रूट थ्री मीटर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बलून, क्या मेरा सर कैसा है।